नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आईटी सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले 40 क्वेश्चनों का पार्ट ए पिछली वीडियो में डाला गया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। साथ ही आज ये 40 से आगे ये क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन नेमी के आधार पर है। तो आप दोस्तों, आपको भी पता है कि पूरे क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आ रहे हैं, और जैसे ही हमारे पास शाम तक आपका जो पेपर आ जाएगा, तो जैसे ही वो मिल जाएगा तो हम आपको उनका एनालिसिस ज़रूर कराएंगे। दोस्तों आज के लिए यही स्टार्ट करते हैं। तो आप दोस्तों अगर आई टी आई सी बी टी एग्जाम के पेपरों का एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कर सकते हो। साथ ही आपको सी बी टी एग्जाम के पेपर या नेमी क्वेश्चन चाहिए, तो आप अभी डिस्कशन जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर आप सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा वक्त खराब नहीं करता हूँ। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो बताओ दोस्तों किस आधार पर निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये बाह्य व्यास के आधार पर निर्दिष्ट किए जाते हैं, यानी बाह्य व्यास एमएम के आधार पर। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर है। और दोस्तों क्वेश्चन क्या है 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। तो बताओ दोस्तों इसके लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा। तो दोस्तों वो होगा आपका 1.4। तो राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर 43 नंबर है दोस्तों। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है दोस्तों आपका, पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है, यानी जो उसके अंदर गांठ दी जाती है होल्डर के अंदर, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका कि सामान के टर्मिनलों से तनाव कम रहे, यानी उसके जो इस प्रकार आपका होल्डर आता है दोस्तों, लगभग इस प्रकार का ये होल्डर आता है। अब इस होल्डर के अंदर ये टर्मिनल आते हैं, तो इन टर्मिनलों से जैसे हम वायर निकालते हैं, तो अंदर यहाँ पर गांठ देते हैं, फिर यहाँ से बाहर निकालते हैं वायर। तो इसमें क्या होता है कि गांठ देने से सामान के टर्मिनलों से तनाव कम रहे, यानी जो संयोजन यानी कॉन्टैक्ट होते हैं उन पर कम तनाव पड़ता है। राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों। और क्वेश्चन आपका, फ्यूज कौन से प्रकार का है। दोस्तों आपको डायग्राम में फ्यूज दिखाया गया है, ये फ्यूज कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों ये फ्यूज है आपका हाई रप्चरिंग क्षमता का फ्यूज, यानी HRC, यानी हाई रप्चरिंग कैपेसिटर फ्यूज। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 44 हो चुका है। 45 नंबर क्वेश्चन देखो 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत सामग्री का नाम क्या है, यानी दोस्तों आपको जो डायग्राम में ये होल्डर दिखाए जा रहे हैं, तो ये कौन से होल्डर है। तो बताओ दोस्तों डायग्राम में मेरे हिसाब से आपको ये अच्छे से दिख रहे होंगे। तो दोस्तों ये आपका एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर है, क्या है, एडिशन प्रकार का स्क्रू ड्राइवर है, होल्डर है, सॉरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 46 नंबर। और क्वेश्चन आपका, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों ये आपको डायग्राम में दिखा, तो इसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये आपका क्या है, आपका ये है प्लग और सॉकेट। अब दोस्तों प्लग और सॉकेट का आपको ये प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। इस प्रकार प्लग और सॉकेट का एक तो ये आता है प्रतीक चिन्ह, इसके अलावा आपको ये दे रखा है, इसके अलावा आपका एक प्रतीक चिन्ह आपका ये इस प्रकार भी आता है। ठीक दोस्तों, तो एक दो तीन होते हैं, आपको एग्जाम में किसी प्रकार दिया जाए, तो इसका राइट आंसर आएगा डी, यानी प्लग और सॉकेट का ये प्रतीक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 47 नंबर है। प्रश्न क्या है, श्रेणी एल श्रेणी MCB के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किस भार को सुरक्षित किया जाता है, तो वो दोस्तों गीजर को किया जाता है। राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर आपका 48 नंबर है। और प्रश्न क्या है, प्रश्न है किस प्रकार का स्विच सर्क्यूट में उपयोग करते हैं, यानी सर्क्यूट यानी सर्किट है, तो कौन सा स्विच प्रयोग करें। तो बताओ दोस्तों ये कौन सा स्विच आपका जो डायग्राम में दिखाया गया है। तो दोस्तों ये आपका स्विच है जो आपका टू वे स्विच है, क्या है, टू वे स्विच यानी दो वे स्विच। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन आपका है कि कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने क्या प्रभाव होगा। तो बताओ दोस्तों अगर हम इसे उच्च भार में जोड़ेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा, तो गर्मी के कारण केबल क्या होगी, गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या आएगा डी। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों। प्रश्न क्या आपका, कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों इस सामग्री का क्या नाम है। तो दोस्तों यह आपका जो दिखाया गया जो लगभग आपको बैंड टाइप दिख रहा होगा, तो इस बैंड टाइप को बोलते हैं निरीक्षण बैंड, क्या बोलते हैं, निरीक्षण बैंड। तो राइट आंसर क्या आ रहा है इसका, सी। प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों। प्रश्न क्या आपका,
प्रश्न है, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये मध्यवर्ती स्विच यानी आपकी मध्यवर्ती स्विच किसे बोलते हैं दोस्तों, जो आपका इंटरमीडिएट स्विच होता है, यानी आपका क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट स्विच, यानी इंटरमीडिएट स्विच में मध्यम, यानी इस प्रकार का ये हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने टू वे स्विच, तो यहाँ पर दो टू वे स्विच लगाए जाते हैं, इस प्रकार ये दो टू वे स्विच यहाँ पर आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या आएगा, बी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, और प्रश्न क्या आपका, अगला प्रश्न है आपका, कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है। तो बताओ दोस्तों कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है, तो दोस्तों नमी से सुरक्षा रहती है। तो राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है 53 नंबर, और 50 नंबर थ्री है, आरेख का नाम क्या है, यानी कुल मिला के आपको जो डायग्राम दिखाया गया है इस डायग्राम का नाम क्या है। तो दोस्तों इस डायग्राम का नाम आपका परिपथ आरेख, क्या है, परिपथ आरेख, राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 54 है, और प्रश्न है दोस्तों आपका, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है। तो बताओ दोस्तों HRC फ्यूज के लिए कौन सा फ्यूजिंग गुणांक राइट होगा, तो होगा आपका 1.1, यानी बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है। तो बताओ दोस्तों कौन सी रिले आएगी जो AC और DC दोनों में उपयोग है, तो वो दोस्तों आपकी आवेग रिले आती है। तो राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर आपका अगला है आपका 56 नंबर, और प्रश्न है दोस्तों आपका, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। तो बताओ दोस्तों इस सामग्री का क्या नाम है, तो दोस्तों ये आपकी सामग्री है, ये आपका सीधे परिवेश के साथ लोह संयोजन। राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 57 है दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न है सामग्री का प्रतीक चिन्ह नाम बताइए, तो दोस्तों ये कौन सा है, तो दोस्तों यह आपका स्विच है, दो ध्रुव वन वे स्विच है, यानी इसमें दो तो ध्रुव आ गए, एक दो और एक क्या आ गया स्विच, तो ये हो गया दो ध्रुव वन वे स्विच। तो राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों, और प्रश्न क्या है दोस्तों आपका 58 नंबर, प्रश्न है दोस्तों आपका, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों वो आपका है ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परिपथ भंजन का उपयोग अगला आगे है दोस्तों, परिपथ भंजन का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। तो 100 एम्पियर से ऊपर किसके लिए करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों वो होता है आपका MCCB यानी मोल्टेड के सर्किट ब्रेक। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या आपका, तांबे के फ्यूज तार का टिन कोटिंग क्या उद्देश्य है। तो बताओ दोस्तों टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य होता है, तो दोस्तों वो होता है तांबे के तार का ऑक्सीजन रोकना। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है। तो दोस्तों उसे बोलते हैं कवाड, क्या बोलते हैं, कवाड। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका, चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग में कितने दो तरह के स्विच आवश्यक है। तो दोस्तों वो तीन होते हैं, अब तीन में कौन कौन से आएंगे, तीन में अगर एक दो तो आएंगे आपके टू वे स्विच, एक आएगा आपका इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, प्रश्न क्या आपका अगला 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन आपका, बहुमंजिल इमारतों के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। तो बताओ दोस्तों सबसे उपयुक्त क्यों है ये, तो दोस्तों ये आपकी कई फ्यूज के साथ दोष सरलता से ढूंढना, तो दोष ढूंढने में सरलता रहती है। तो राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 64 है दोस्तों, प्रश्न क्या आपका, प्रश्न है दोस्तों आपका, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो आपका नायलॉन आता है। तो राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर आपका 65 है, और प्रश्न है दोस्तों आपका, यह प्रतिचिन्ह क्या दर्शाता है। तो बताओ क्या दर्शाएगा ये, तो ये आपका छत पंखा दर्शाएगा। अगर आपको पूछे इसी में, तो ये छत पंखा गया, इसको बंद कर दो, ये एग्जॉस्ट पंखा हो गया, इस प्रकार अगर ये हो गया तो ये आपका एग्जॉस्ट पंखा हो गया। तो दोस्तों ये छोरी, ये आपका दीवार पर लगा पंखा हो गया, तो अलग अलग ये हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, रिले का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों इस रिले का क्या नाम है, तो ये दोस्तों आपकी डाई एड रिले होती है। तो राइट आंसर बी।
प्रश्न नंबर आपका अगला है 67 नंबर प्रश्न, और 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, आरेखा क्या नाम है? तो बताओ दोस्तों इस आरेखा क्या नाम है? दोस्तों इस आरेखा नाम है स्थापना योजना, यानी स्थापना योजना, तो राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर आपका 68 नंबर है, और 68 नंबर प्रश्न क्या है, सी डी पी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बताओ दोस्तों इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका उपयोग किया जाएगा एकल फेज घरेलू स्थापना में, तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन आपका, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के साथ सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? दोस्तों वह आपका सीलिंग रो, तो राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर आपका अगला है दोस्तों, प्रश्न क्या आपका, प्रश्न है दोस्तों आपका, डीसी श्रृंखला एमसीपी का अनुप्रयोग कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका लोकोमोटिव, तो राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 71 है दोस्तों, प्रश्न क्या आपका, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा किया गया समय क्या है? तो वह आपका कट ऑफ गुणांक, क्या है, कट ऑफ गुणांक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 72 नंबर, और क्वेश्चन क्या है, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? तो वो बहुमंजिला भवन में है, तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम व्यास होता है? तो वो 25 mm होता है, तो राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, और प्रश्न क्या है, प्रश्न है होम सिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? तो वो बिजली के व्यक्तिकरण से बचने के लिए, तो राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर आपका अगला है 75 नंबर, उस 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्या है, यानी ये तो हो गया ऊपर वाला, हाँ 75 नंबर प्रश्न है, प्रकाशित परिपथ का क्या नाम है? तो बता दो इस डायग्राम का क्या नाम है? दोस्तों इसका नाम आपका गोदाम प्रकाश वायरिंग, क्या है, गोदाम प्रकाश वायरिंग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हिक्की का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है एमसीबी का विस्तार रूप क्या है? तो ये हो गया मैनेजर सर्किट ब्रेकर, तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है 78 नंबर, क्वेश्चन है दोस्तों आपका ELCB का उद्देश्य क्या है? तो है अवशेष धारा को देखना, तो राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर 79 नंबर है दोस्तों, प्रश्न क्या आपका, प्रश्न है आगत बिजली की आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वह है यह सुनिश्चित करने के लिए लाइन अतिभार नहीं है, तो राइट आंसर ए। प्रश्न लास्ट है इस मॉडल पेपर नंबर का, फिर अगले में और देखेंगे। तो प्रश्न है दोस्तों आपका, डाई स्टॉक सेट का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य बेनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना, तो राइट आंसर सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।